मध्य प्रदेश के खरगोन में लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर। कुंदा में बाढ़ के कारण पुलिया पर 1.5 से 2 फीट ऊपर पानी होने के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। वहीं एक बस चालक ने उफनती नदी में बस डाल दी और लोगों की जान से खिलवाड़ किया। जिले भर में लगातार 14 घंटे से हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ गए हैं। खरगोन शहर के 12 किलोमीटर दूर और अवरकच्छ खरगोन मार्ग पर कुंदा में बाढ़ आने के कारण पुलिया पर से 1 से 2 फीट ऊपर पानी बहने के कारण कोई ग्रामीण बाइक डालने का साहस नहीं जुटा पाया, लेकिन कुछ लोग तेज बहाव के बावजूद जान जोखिम में डालकर पैदल पार करते दिखे हैं। इन्हें रोकने वाला यहां कोई नहीं था। यही नहीं, दोपहर बाद एक बस चालक ने उफनती नदी में बस डाल दी और यात्रियों की जान जोखिम में डालते हुए नदी क्रॉस की। इस दौरान कोई रोकने वाला भी नहीं था। ग्रामीणों को मजबूरन 15 किलोमीटर घूमकर गांव में जाना पड़ रहा है। कुंदा में बाढ़ के कारण आसपास के 15 से 20 गांव प्रभावित हुए हैं। खंडवा वडोदरा स्टेट हाईवे पर सेगावा के पास स्थित बांधनी नदी में बाढ़ आने के कारण हाईवे और दोनों ओर जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। कई यात्री वाहनों को घंटों इंतजार करना पड़ा। खरगोन से तिवारी की रिपोर्ट। ये आप देख रहे हैं कुंदा नदी के पुल पर जो पानी बह रहा है। ये कुंदा नदी खरगोन से अवरकच्छ 10 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर कुंदा नदी का पुल काफ़ी नीचे है और यहाँ पर पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। काफ़ी लोगों के मौत का सामना करना पड़ रहा है और पुल पार करके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पुल के ऊपर से पानी जा रहा है। शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है और न कोई गार्ड रखा हुआ है, न कोई कुछ व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर लोगों को पुल पार करने के लिए मौत का सामना करना पड़ता है। आप भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।